हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरी चैनल की एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाउन हॉल 13 के बारे में। सो गाइस, सुपर सेल ने इतना इंतज़ार कराने के बाद आखिरकार TH13 की इमेजेस सामने लाई दी, और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे सुमित 007 और क्लैशिंग अड्डा, उनको तो डेवलपर सर्वर मिला हुआ है, अभी मिला है उन्हें भी डेवलपर सर्वर। तो वो उनके उस डेवलपर सर्वर वाले बेस में TH13 उन्होंने अपग्रेड भी कर दिया। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं टाउन हॉल 13। सो गाइस, ये इमेज है टाउन हॉल 13 की, इस तरह का हमारा दिखेगा टाउन हॉल 13। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टाउन हॉल 13 की बारे में बताऊंगा, और गाइस कब टाउन हॉल 13 आने वाला है। जी हाँ, कब टाउन हॉल 13 आने वाला है वो शायद आपको किसी ने और किसी वीडियो में नहीं बताया हो, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी डेट को टाउन हॉल 13 आने वाला है, वो भी बताऊंगा। सो गाइस, और न्यू हीरो और न्यू डिफेंस भी आने वाले हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो गाइस, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को, नहीं तो आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे। तो गाइस, ये इमेज है टाउन हॉल 13 की। तो ब्लू कलर मुझे, मतलब ब्लू कलर नहीं करना चाहिए था, कोई और कलर करते, शायद ग्रीन करते तो अच्छा लगता, क्योंकि टाउन हॉल 12 भी ब्लू है और TH13 भी ब्लू है, तो थोड़ा, लेकिन फिर भी कूल लग रहा है टाउन हॉल 13। लेकिन गाइस, फिर भी कूल लग रहा है TH13, पर ग्रीन रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और बात करें इसकी इन्फो पे जाएं, तो टाउन हॉल लेवल 13, तो हिट पॉइंट्स हो गए हैं इसके 8200, बाकी चीज़ें वो स्टोरेज कैपेसिटी है और इन्फो हुई। इस पर 3 डॉट पे टैप करें तो गाइस इसकी आती है दूसरी इन्फो, जो कि है गीगा इन्फर्नो। तो गीगा इन्फर्नो, हमारे टाउन हॉल 13 पे गीगा टेस्ला था, तो वो हिडन टेस्ला को उन्होंने कंबाइन करके इसके ऊपर लगा दिया था, गीगा टेस्ला बना के। तो इस इमेज में गीगा इन्फर्नो लगा दिया है इन्होंने इसके ऊपर, गीगा इन्फर्नो को टाउन हॉल पे फिट करके गीगा इन्फर्नो। तो डैमेज पर सेकंड 200, काफ़ी अच्छी बात है। डैमेज व्हेन डिस्ट्रॉयड 1000, ये वो है जो जैसे जब हमारा टाउन हॉल 12 फूटता था, तो उसके फूटने के बाद जो पीछे, मतलब उसके फूटने के बाद उसकी ज़मीन पे ब्लास्ट होता था एक, तो वो होता था उसका डैमेज व्हेन डिस्ट्रॉयड, मतलब जब डिस्ट्रॉय होने के बाद जो डैमेज, तो इसका वो 1000 है। इसमें बढ़ेगा नहीं, इसे आप लेवल 1 से लेवल 4 तक भी करेंगे तब भी ये बढ़ने नहीं वाला, ये इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें आगे स्लॉट नहीं दे रखा। और नंबर ऑफ़ टारगेट्स 4, मतलब एक बार के में 4 ट्रूप्स को टारगेट करेगा, जैसे हमारा मल्टी इन्फर्नो होता है। लेकिन ये इफ़ेक्ट ड्यूरेशन इसका नहीं पता मुझे कि ये क्या है इफ़ेक्ट ड्यूरेशन। द गीगा इन्फर्नो मेक्स योर एनिमीज फील लाइक मार्शमेलोज ट्राइंग टू माउंट एन अटैक ऑन अ बॉनफायर। व्हेन डिस्ट्रॉयड इट विल ब्लास्ट द टाउन हॉल टू बिट्स इन अ फ्रीजिंग एक्सप्लोजन दैट स्लोज एवरीथिंग अराउंड फॉर अ टाइम। तो ये हो गया हमारा गीगा इन्फर्नो, सही डिफेंस दे दिया इस बार इन्होंने इसके ऊपर। तो ये है हमारा गीगा इन्फर्नो, सही लग रहा है इस बार हमारा टाउन हॉल ले। और अब बात करें गाइस न्यू वॉल्स, जी हाँ, TH13 पर न्यू वॉल्स। तो क्लैश ऑफ क्लैंस की जब मैंने वो वाली वीडियो देखी जो उन्होंने अपने क्लैश ऑफ क्लैंस और क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया के चैनल पर डाली, तो उसमें गाइस ये ब्लू कलर की, आप यहाँ पे देखिए इन्फर्नो के जो पास आपको दिख रही हैं वो तो सब जानते हैं TH12 वाली वॉल्स हैं, लेकिन जो टाउन हॉल के आगे गाइस ये TH13 की न्यू वॉल्स हैं। तो देख, ये भी ब्लू कलर की हैं क्योंकि थीम ब्लू है दोनों की। ब्लू में इनका थोड़ा अंतर है क्योंकि TH12 वाला हमारा लाइट ब्लू था, ये डार्क ब्लू है, तो इसकी वॉल्स भी लाइट ब्लू, ऊपर से लाइट ब्लू और नीचे से डार्क ब्लू हैं। तो ये हो गई हमारे TH13 की न्यू वॉल। तो गाइस, अब फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस पर हम बात करें न्यू हीरो और न्यू डिफेंस। तो गाइस, ये इमेज मुझे वहाँ से मिली जहाँ मैंने सुमित 007 की वीडियो देख रहा था। तो हमारे सुमित भाई के पास तो डेवलपर सर्वर है, तो जब वो उसे अपग्रेड कर रहे थे, तो गाइस जब वो उसे अपग्रेड कर रहे थे अपने TH12 से 13 के लिए, तो सुमित भाई ने इमेज को क्रॉप कर दिया। तो मुझे ये बात शायद क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने उनसे कही होगी कि अभी रिवेल नहीं करना, क्या न्यू आइटम है, नहीं तो सुमित को पता है कि क्या न्यू होने वाला है, क्योंकि उसके पास तो डेवलपर सर्वर है
और तो ये इमेज उसने क्रॉप करके दिखाई अपनी वीडियो में, तो नीचे आप देख सकते हैं इंटू वन कोई चीज़ है जो मतलब एक ज़्यादा लगेगी, इंटू वन वो स्नीकी एयरमाइन है। लेकिन बिल्कुल लेफ्ट में दो न्यू स्लॉट हैं, तो एक न्यू स्लॉट तो हो गया हमारे हीरो का, लेकिन ये दूसरा जो स्लॉट है ये किस चीज़ का है? एक हो गया हमारा हीरो, दूसरा क्या क्या ये कोई न्यू डिफेंस है या फिर कुछ और ही न्यू चीज़ है? तो ये देखने वाली बात होगी, अभी कुछ दिनों में TS-13 आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या न्यू चीज़ है। एक तो पक्का हीरो ही है, न्यू हीरो, क्लैश ऑफ क्लैंस की पिछली रिवील वीडियो में भी पता चला था कि वो न्यू हीरो है, लेकिन ये दूसरी चीज़ नो न्यू आ रही है, क्या ये सीग मशीन है? क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस की उस वाली वीडियो में भी ऊपर एक चीज़ उड़ती हुई दिखी थी जो कि वो थी न्यू सीग मशीन लग रही थी, तो ये देखने वाली बात होगी ये क्या चीज़ है। तो अब गाइस फाइनली हमारे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक TS-13 कब आएगा। सो गाइस कब आएगा इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, अगर हम अपने इसमें जाएं इवेंट सेक्शन में, तो गाइस दिसंबर सीजन इज़ हेयर, दिसंबर सीजन इज़ हेयर, ये क्लैन वॉर लीग ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट सब में नीचे आए, तो बहुत दिनों से। सो गाइस नीचे देखें विंटर जैम टाइम लैप्स 6 डे 1 आवर 50% कॉस्ट रिडक्शन फॉर ऑल होम विलेज बिल्डिंग्स एंड वॉल्स फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। अब आगे पढ़ें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें लिखी है, टेक एडवांटेज ऑफ दिस इनसेन इवेंट बिफोर द ह्यूज विंटर अपडेट। सो गाइस ये क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने इसलिए किया है जिससे जो हमारे TH-12 के बंदे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने बेस को मैक्स कर लें, क्योंकि 50% डिस्काउंट मिलेगा हर चीज़ पे। अगर 80 लाख गोल्ड की कोई चीज़ अपग्रेड हो रही है तो वो 40 लाख की हो जाएगी, तो वो ये क्यों दे रहे हैं? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग TH-13 खेल पाएँ। तो इसमें टाइम लिखा है कि इस चीज़ से आप जल्दी इसका इस्तेमाल करें ह्यूज विंटर अपडेट से पहले, तो इसमें टाइम लेफ्ट है 6 डे, मतलब 6 दिन तक ये और चलेगा, 6 दिन बाद ये इवेंट ख़त्म होगा। तो क्या 6 दिन के बाद हमें विंटर अपडेट देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें भी लिखा है कि विंटर अपडेट से पहले इसका एडवांटेज लें, तो ये तो ख़त्म होगा 6 दिन बाद, तो 6 दिन के बाद विंटर अपडेट आता है तो विंटर अपडेट से पहले हो गया, तो क्या 6 दिन बाद हमें विंटर अपडेट देखने को मिलेगा? गाइस मुझे तो यही लगता है कि 6 दिन के बाद हमें विंटर अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब टाउन हॉल 12 आया था तो तब हैमर जैम नाम का इवेंट आया था और अब विंटर जैम नाम का अपडेट आ वो सॉरी इवेंट आ रहा है। तो गाइस मुझे तो लगता है 6 दिन बाद ये अपडेट आ सकता है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और गाइस TS-13 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल पर उसकी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। सो गाइस और TS-13 के रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।